पहली नंबर एक। एक दिन अचानक जेठालाल को मैसेज आता है, अगर तुम अपनी वाइफ को सही सलामत चाहते हो तो तुम बिरसा चौक के पास वाले गोदाम में 5 लाख रुपये लेकर पहुंचो और अपनी वाइफ को यहां से लेकर जाओ, और ये बात पुलिस को पता चली तो तेरी वाइफ को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। फिर उसके बाद जेठालाल जल्दी से 5 लाख रुपये लेकर कार से जल्दी बिरसा चौक पहुंचता है। फिर किडनैपर ने जेठालाल से पैसे लिए और जेठालाल को अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही जेठालाल को 3 लड़कियां बंधी हुई मिली। तीनों लड़कियों के फेस पर कपड़ा ढका हुआ था, जिसके कारण जेठालाल पहचान ही नहीं पा रहा था कि इनमें से दया कौन है। किडनैपर जेठालाल से कहता है, इन तीनों लड़कियों में कोई एक ही आपकी वाइफ है, आप पहचानिए इनमें से आपकी वाइफ कौन है। अगर तुमने सही गेस कर लिए तो तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत गेस कर लिया तो फिर तुम दोनों को मार दूंगा। फिर जेठालाल उन तीनों लेडीज़ को ध्यान से देखता है तो वो तुरंत पहचान लेता है कि दया कौन है। दोस्तों, जेठालाल ने तो अपनी वाइफ को पहचान लिया, लेकिन क्या आप जेठालाल की वाइफ को पहचान पाए? इनमें से जेठालाल की वाइफ कौन है? फर्स्ट वाली लेडी, सेकेंड वाली लेडी या फिर थर्ड वाली लेडी? तो ध्यान से इन तीनों लेडीज़ को देखिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। इनमें से जेठालाल की वाइफ ये बीच वाली है। आपको समझ नहीं आया ये बीच वाली ही क्यों? तो आइए बताते हैं। अगर आप दया की फोटो को ध्यान से देखिएगा तो दया के गर्दन पर एक तिल है और वही सेम जगह पर ये बीच वाली लेडी का भी है। इसका मतलब दया बीच वाली ही है। आपका क्या आंसर था? आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली नंबर दो। इस इमोजी को देखकर सब्जी का नाम गेस कीजिए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है कैरोट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।